जय भीम। कि हम जो है ना वो मिशन के लोग कहीं जब जा रहे तो उसका मकसद नहीं होगा, मकसद तो पहले से तय है कि जब भी षड्यंत्रकारी ताकतें मानवता को संहार करती हैं तब तक जो है ना कुछ लोग खड़े होते हैं, जैसे कभी भगत सिंह खड़े हुए, फारूक खान खड़े हुए, उधम सिंह खड़े हुए। तो इसी तरीके से ही हम लोग भी लगातार भ्रमण में रहते हैं। हमारी एक बड़ी टीम इस देश के अंदर है जो लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ती है। ये हमारे भारत एकता मिशन के सभी कार्यकर्ता हैं। मैं बरेली सिर्फ ये देखने आया था कि कहीं लड़ने वाले लोगों की संख्या कम तो नहीं हुई। तो पिछली बार बरेली आया तो बहुत सारे लोग थे, इस बार बरेली आया तो 4 गुना लोग हैं। और मुझे लगता है कि अगली बार बरेली आऊंगा तो बरेली नीला नीला छपा हुआ दिखेगा, मुझे महसूस होने लगा। आपके साथ अभी बरेली के एक कद्दावर नेता जो है बसपा से तौफीक प्रधान जी को आज जोड़ा है, आपको क्या आकांक्षा लगती है? देखिए तौफीक भाई के विषय में जब मुझे पता लगा तो मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ये नेता। अच्छा। और साथी ने कहा कि वो समाज सेवा करते हैं और फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के व्यक्ति, जो भी उनके पास मदद के लिए आता है किसी जाति धर्म किसी भी समुदाय का व्यक्ति वो उसकी मदद करना पसंद करता है। और मैं ऐसे साथी को नेता नहीं कहता, मैं ऐसे साथी को समाज सेवक कहता हूँ। पहले भी मिशन में थे, अब फिर ये मिशन में आए हैं और मुझे लगता है कि तौफीक भाई के अंदर भी वो आग है लड़ने की इस देश के लिए, कौम के लिए, मानवता के लिए, जो आग भारत के प्रत्येक नागरिक में होनी चाहिए। तौफीक भाई ने यहाँ आजाद समाज पार्टी का श्रीराम को बहुत मजबूत किया और जितना भी अपना एक्सपीरियंस है वो हमारी टीम के साथ शेयर किया। और मैं इनके आने से मजबूती क्या कहूँ, एक क्षेत्र की बात मैं नहीं करता। तौफीक भाई जैसे जो हमारे साथी हैं ये एक क्षेत्र नहीं, ये पूरा माहौल मजबूत करता है। हमारे साथ जुड़ने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि क्रांतिकारी लोगों के साथ क्रांतिकारी लोग जुड़ते हैं। तो तौफीक भाई को मैं क्रांतिकारी साथी भी अपना कहूँगा, भी क्रांतिकारी साथी हैं हमारे। और तमाम साथी हमारे बैठे हैं, इधर चौधरी साहब हैं, उधर हमारे सागर जी हैं और तमाम साथी हमारे यहाँ पर हैं, सब लोग बहुत मजबूत हैं। तौफीक भाई का तो मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि तौफीक भाई ने अच्छी अच्छी पार्टियों के ऊपर ठुकरा करके, अच्छी अच्छी व्यवस्था छोड़ करके मिशन को चुना, आंदोलन को चुना, समानता की बात करने वाला चुना। तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। तौफीक भाई आपका शुक्रिया। बरेली को एक फेमस चेहरा मिला है, संगठन में काम करने का निर्णय लिया है तौफीक प्रधान ने, तो आप उनको किस जगह काम करना देखना चाहते हैं, कहाँ लगाया जाए? देखिए हमारे संगठन में सब मालिक हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र की भाषा में बात होती है। आप जानते चंदशेर भाई चुनाव लड़े वो अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़े, तौफीक भाई जैसे साथियों ने, सागर जी ने और तमाम हमारी कमेटी ने उनको कहा कि हम आपको वहां से चुनाव लड़ाएंगे। और अगर ये सब कहते कि आप वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वहां से चुनाव चंदशेर भाई भी ना लड़ते, तो जगह का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जहां तौफीक भाई चाहेंगे वहां काम करेंगे। तौफीक भाई ये कहेंगे कि मुझे पूरा देश में काम करना तो कोई परेशानी नहीं है। तौफीक भाई कहेंगे मुझे यहाँ जिम्मेदारी लगाओ, मुझे यहाँ जिम्मेदारी दी तो कोई परेशानी नहीं है। अभी चंद्रशेखर आजाद जी का एक वायरल हो रहा है, उन्होंने बयान दिया है कि कावड़ को लेकर ईद की नमाज को लेकर, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब जी का जो बयान है वो संविधान से लिया गया बयान। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया, बीजेपी उसको भूल गई है। आरएसएस ये समझ बैठा है कि ये देश उनके बाप की बकौती है। हालांकि आरएसएस के जो पुराने लीडर रहे हैं उन्होंने हमेशा देश के साथ कभी वफादारी नहीं की, उनके एक लीडर ने उन्होंने अंग्रेज से माफी मांगी। जब इस देश में कावड़ यात्रा हो सकती है तो नमाज भी पढ़ी जाएगी। अगर कावड़ यात्रा के लिए एक एक दिन के लिए एक एक घंटे दो दो घंटे की रोड बंद होता है कि 10 मिनट की नमाज के लिए वहां पर इतना जो बवाल होता है, तो उस पर चंद्रशेखर जी ने यही बात कही। मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने संविधान याद कराया है सरकार को कि इस देश में संविधान है। जब 10 दिन 15 दिन हम उस क्षेत्र से आते हैं कावड़ यात्रा के लिए, पूरा क्षेत्र बन जाता है 15-15 दिन, ठीक है, सब लोग खूब सेवा करते हैं।
ये जो है ना, ये देश में जो इस प्रकार के जो षड्यंत्र चल रहे हैं कि नमाजियों के ऊपर हाथ उठाना और एक वर्ग को प्रोटेक्ट करना, ये देश नहीं है, ये षड्यंत्र है देश के लिए। तो तभी चंद्रशेखर भाई ने कहा, और ये बयान उनका जो है ना हर वर्ग का व्यक्ति सराहना कर रहा है कि जब हिंदू पद्धति में पूजा की आजादी है तो मुस्लिम पद्धति में भी इबादत की आजादी है, बौद्ध पद्धति में भी इबादत की आजादी है, ईसाई में भी है, सिखिज्म में भी है, ये शायद सरकार ही नहीं समझी। तो उनको समझाने का उन्होंने प्रयास किया। क्या लगता है आपको इस बरेली आवाम के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सिर्फ एक ही मैसेज है, ये देश हमारा है, हमारे पुरखों ने देश को आज़ादी से लेकर के अपने खून से सींचा है, हमारे पुरखों ने यहाँ के पहाड़ खोद करके रास्ते बनाए हैं। इस देश को बचाने के लिए बरेली के प्रत्येक व्यक्ति को आगे निकल कर आना चाहिए। बरेली से अगर व्यक्ति निकल कर आएंगे तो मुझे लगता है कि पूरे देश से लोग निकल कर आएंगे। सरकार तानाशाह उछली है, वो शोषण करेगी, वो जेल भेजेगी, लेकिन आप तैयारी रखिए, जो हमारे पुरखों ने किया, हमारे पुरखों ने देश के लिए अपनी जान दी, हमारे पुरखों ने। अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी में तौफीक जी का कौन सा स्थान रहेगा, खासकर बरेली तौर पर क्या किस तरह से आप देखेंगे? मैं इसका जवाब था पहले दे चुका हूँ, ठीक है, ये तय मैं नहीं कर सकता, ये तय हमारी टीम करती है। जी हाँ, लोकतंत्र है हमारे यहाँ पूरा पूरा, और तौफीक भाई के सम्मान के साथ ही दिया जाएगा, चिंता ना करें आप। तो बरेली के लिए यही मेरा संदेश है कि लड़ाई के लिए तैयार रहें, आज देश खतरे में है, आज आवाम खतरे में, आज मानवता खतरे में। देखिए मेरा ये मानना है, क्या आप देख देना चाहते हैं बरेली वासियों? आप देश और प्रदेश के हालात देख रहे हैं, आज सबसे ज्यादा बैकवर्ड दलित मुस्लिम और सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उसके जो नेता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, वो जमीन स्तर पर काम नहीं करना चाह रहे हैं। आज हमारी जो बने भैया आए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भीम आर्मी के, इनकी पूरे देश में जो टीम गठन हुई है वो जमीन से लेके आसमान तक काम कर रही है अपने समाज के लिए, अपने लिए नहीं अपने समाज के लिए। तो हमारी भी तमन्ना, पूरा जीवन हमने इसी में लगाया कि हम अपने समाज के लिए कुछ करें। सत्ता में रहना चाहते तो हम बहुत पहले सत्ता में रहते, सत्ता तो हमने 5 साल ले ली, 5 साल के बाद आकर विपक्षी जल्दी चले आए खाली समाज के भला करने के लिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें समाज का भला कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से हमने आज बरेली जनपद में हमारे बिने भाई जो आए उनके द्वारा पार्टी में शामिल हुए, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भाई का। कितने लोगों ने आपके साथ आज सदस्य लिए? अब इसका निर्णय तो आपको कल से दिखाई देने लगेगा कि कितना तेजी से बरेली जनपद में और पूरे मंडल में बदलाव हुआ। आज आपके साथ कितने लोगों ने लिया? आज लमसम मान के चलिए 100-150 लोग जुड़े हमारे जो करीबी लोग थे, और कल से कारवां सब चालू हो जाएगा, और लगातार आप इस ऑफिस से लगातार 10-20 लोगों की रोज सदस्यता आप देखेंगे। जैसे कि भीम आर्मी का राष्ट्रीय, जो भीम आर्मी में काम करना चाहेगा वो भीम आर्मी में जाएगा, जो पार्टी में काम करना चाहेगा आजाद समाज पार्टी में वो पार्टी में सदस्य लाएंगे, और जो भीम आर्मी में काम करना चाहेगा उसको भीम आर्मी के सदस्य लाएंगे। आप अपने कार्यालय से क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? मैं ये देना चाहता हूँ कि आज हमको दलितों को बैकवर्ड और हमारा जो पिछड़ा समाज ऐसी समाज, आज हमारे चंद्रशेखर भाई जो है वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, और उगता हुआ सूरज है तो हमें उनके साथ जाना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करना चाहिए। प्रधान जी, आप मुस्लिम समाज के कद्दावर नेता माने जाते हो, आपने पार्टी ज्वाइन की है, क्या संदेश जाएगा मुसलमानों में इस तरीके से आपने पार्टी ज्वाइन? मैंने ज्वाइन नहीं की है, मेरे मुस्लिम समाज में जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं उन्होंने मुझ पर भी दबाव डाला कि प्रधान जी कब तक हम लोग धक्के खाएंगे, अब हम लोग बदलाव के लिए तरफ चले। आज सूरज उगता हुआ है, आज जो सूर्य उगता हुआ है, जो पूरे देश में एक जज्बा है हमारे चंद्रशेखर भाई का, हम लोग सब उनके साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री हम चंद्रशेखर आजाद भैया को बनाने का काम करेंगे।